उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2। इस प्रकार आकाश तथा पृथ्वी और जो कुछ उनमें है सबकी सृष्टि पूरी हुई। सातवें दिन ईश्वर का किया हुआ कार्य समाप्त हुआ। उसने अपना समस्त कार्य समाप्त कर सातवें दिन विश्राम किया। ईश्वर ने सातवें दिन को आशीर्वाद दिया और उसे पवित्र माना, क्योंकि उस दिन उसने सृष्टि का समस्त कार्य समाप्त कर विश्राम किया था। यह है आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत। जिस प्रकार प्रभु ईश्वर ने पृथ्वी और आकाश बनाया, उस समय पृथ्वी पर न तो जंगली पौधे और न खेतों में घास उगी थी, क्योंकि प्रभु ईश्वर ने पृथ्वी पर पानी नहीं बरसाया था और कोई मनुष्य भी नहीं था जो खेती बारी करे, किंतु भूमि में से जल प्रवाह निकले और समस्त धरती सींचने लगे। प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसके नथनों में प्राणवायु फूंक दी। इस प्रकार मनुष्य एक सजीव सत्व बन गया। इसके बाद ईश्वर ने पूर्व की और अधन में एक वाटिका लगाई और उसमें अपने द्वारा गढ़े मनुष्य को रखा। प्रभु ईश्वर ने धरती से सब प्रकार के वृक्ष उगाए जो देखने में सुंदर थे और जिनके फल स्वादिष्ट थे। वाटिका के बीचों बीच जीवन वृक्ष था और फले बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी। अदन से वाटिका को सींचने वाली एक नदी निकलती थी और वह चार धाराओं में विभाजित हो जाती थी। पहली धारा का नाम पिशोन है। यह वह धारा है जो पूरे हविला देश के चारों ओर बहती है। वहां सोना पाया जाता है। उस देश का सोना अच्छा होता है। वहां गुगुल और गोमेद भी मिलते हैं। दूसरी धारा का नाम गिहोन है। यह कुश देश के चारों ओर बहती है। तीसरी धारा का नाम दजला है। यह असुर के पूर्व में बहती है। चौथी धारा का नाम फरात है। प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को आदन की वाटिका में रख दिया, जिससे वह उसकी खेती बारी और देख रेख करता रहे। प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को यह आदेश दिया, तुम वाटिका के सभी वृक्षों के फल खा सकते हो, किंतु फले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। प्रभु ने कहा, अकेला रखना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। तब प्रभु ने मिट्टी से पृथ्वी पर के सभी पशुओं और आकाश के सभी पक्षियों को गढ़ा और यह देखने के लिए कि मनुष्य उन्हें क्या नाम देगा। वह उन्हें मनुष्य के पास ले चला, क्योंकि मनुष्य ने प्रत्येक को जो नाम दिया होगा वही उसका नाम रहेगा। मनुष्य ने सभी घरेलू पशुओं, आकाश के पक्षियों और सभी जंगली जीव जंतुओं का नाम रखा, किंतु उसे अपने लिए उपयुक्त सहयोगी नहीं मिला। तब प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया और जब वह सो गया तो प्रभु ने उसकी एक पसली निकाल ली और उसकी जगह को मांस से फर दिया। इसके बाद प्रभु ने मनुष्य से निकाली हुई पसली से एक स्त्री को गढ़ा और उसे मनुष्य के पास ले गया। इस पर मनुष्य बोल उड़ा, यह तो मेरी हड्डियों की हड्डी है और मेरे मांस का मांस। इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह तो नर से निकाली गई है।
इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। वह मनुष्य और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, फिर भी उन्हें एक दूसरे के सामने लज्जा का अनुभव नहीं होता था।